हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। और वंस अगेन एक और फैकल्टी का इंट्रोडक्शन करवाने आ चुका हूं मैं, और ये है अब थर्ड सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट सुपर फॉर्म में बहुत अच्छे से आपने यूट्यूब पे एंजॉय करे भी होंगे, कर भी रहे होंगे, और अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे कि सिविल ब्रांच आ चुका है जी सेंट्रिक पे, और एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ आने वाले टाइम में फरवरी वाले मंथ में कोर्सेज भी लॉन्च होंगे। बट कोर्स लॉन्च होने से पहले, जैसा कि जी सेंटर की एक थीम है कि पहले आप सब्जेक्ट को पढ़िए, एक एक यूनिट पढ़िए, आपको लगे कि फैकल्टी दिल पे टच कर रहा है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, वो होने के बाद फिर आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ आएगा। तो आज बारी है एक और सब्जेक्ट की। आप इससे पहले जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उमाशंकर त्रिपाठी सर पढ़ा रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे कंटेंट को। मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो फाइनली आज आपके सामने थर्ड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है सिविल सेंट्रिक पर। सिविल ब्रांच के लिए आप सभी लोगों ने बता दिया होगा अपने दोस्तों को, और इस सब्जेक्ट का नाम बताने से पहले फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अभी फैकल्टी को भी मैं लेके आऊंगा आपके सामने। ये फैकल्टी को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी क्लासेस ली, ऑफलाइन इंडस्ट्री में तो जितने लोग पढ़े होंगे आई थिंक नॉर्थ इंडिया की लगभग सभी शहर में इन्होंने क्लासेस ली है। 7-8 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस है सर को, और साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि सर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। सर ने बहुत इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है, बहुत वास्ट एक आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से वो रूबरू कराएंगे सब्जेक्ट को पढ़ाते टाइम पे। और साथ में बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नोन वेल नोन फेस है आपके सामने, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे या कहीं ना कहीं अपने सीनियर से जानते होंगे। सो स्वागत करता हूं शाहनवाज अहमद सर का। वेलकम सर, वेलकम। और सर के लिए प्लीज कुछ कमेंट वगैरह भी करिएगा, सर का वेलकम करिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। सर बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक यूनिक सब्जेक्ट कराने आए हैं जो कि सिविल और मैकेनिकल, अगेन ये सब्जेक्ट दोनों ब्रांचेस के लिए सिविल एंड मैकेनिकल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है सिविल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया और बच्चों को एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने के लिए बात की। तो जिस सब्जेक्ट को मैं डील करूंगा उस सब्जेक्ट का नाम होगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। जी सर बिल्कुल। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है आपको दोनों जगह काम आना है, सिविल वालों को भी और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को भी। और इस सब्जेक्ट का अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ही बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक पे आपको काम आना, आप कहीं भी काम करोगे किसी भी इंडस्ट्री में इस सब्जेक्ट का यूज है ही आपको, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को जो मैं डील करूंगा बेसिकली, तो आप मान के चलो जीरो लेवल से बिल्कुल डील करूंगा, और आपको उस एडवांस लेवल तक जाऊंगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो वो आपको छूट जाए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आप बिलीव मी आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप बस क्लास कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आप बस सिंसियरली क्लास में बैठिए, आपको चीजों को बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, सब चीज क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल वहां से शुरू किया है जहां से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग अपना बेस बनाएंगे, उसमें जितना भी टाइम लगे उससे कोई मैटर नहीं करता है, पहले बेस बन जाएगा तब आपको असल फील आएगा सब्जेक्ट का। देखो सब्जेक्ट पढ़ना तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट दिखना चाहिए, फील आना चाहिए, मजा आना चाहिए कि हाँ यार कुछ पढ़ा है, ठीक है, रहना चाहिए। वो ऐसा सब्जेक्ट है, रियली ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको दिखा सकता है बंदा कि ये क्या हो रहा है, और आप इसको फील करेंगे, और बिलीव मी आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। स्टूडेंट कम्युनिटी के साइड से क्वेश्चन और पूछता हूं कि सर ऐसा तो नहीं कि फील के चक्कर में सब थ्योरी थ्योरी लपेट देंगे, सर न्यूमेरिकल तो बन ही नहीं रहे, तो न्यूमेरिकल होगा कि नहीं सब्जेक्ट में? आप यकीन मानिएगा कम से कम मैं 250 न्यूमेरिकल से ज्यादा ही डील करूंगा, प्रीवियस ये सारे गेट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपने सोचे नहीं होंगे, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों को बताऊंगा मैं कि देखिए ये क्या होता है, आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अपने तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो क्वेश्चन का आपको टेंशन नहीं लेना। और वैसे भी अगर गेट में रैंक लाना है तो मेरी बात याद रखिए, थ्योरी से गेट नहीं निकलेगा, न्यूमेरिकल से, बिना न्यूमेरिकल के नहीं होता, एंड ऑफ द डे आपको करना तो न्यूमेरिकल ही है।
अच्छा सर, एक चीज और पूछना था कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमें देख रहे होंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि जी सेंट्रिक लगभग लगभग हर कॉलेज में कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा है, आप अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे, और प्लीज बताइए, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने सिस्टम बनाया है जिसमें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट लेके अपना फाइनेंशियल, बिना फाइनेंशियल बर्डन के बहुत अच्छे से एक अपने टाइम टेबल के हिसाब से कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो सर क्वेश्चन ये है कि FM बहुत सारे जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे उनको तो पता होगा कि, या बहुत लोगों के सेमेस्टर में आ चुका होगा, बट फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर वाले ये जानना चाह रहे होंगे सर कौन से सेमेस्टर में ये हमें आएगा और क्या एग्जाम में सेमेस्टर में भी ये यूजफुल रहता है। देखिए बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ना दो पार्ट में सेमेस्टर में आता है, एक सेमेस्टर थ्री में आता है एंड सेमेस्टर फोर में आता है, ये उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट फोर में बेसिकली मशीनरी का कुछ पार्ट आता है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, और पार्ट थ्री में आपको पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो आप यकीन मानो आप अगर इसको पढ़ते हो आपके सेमेस्टर के भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या किया है कि सारे डेरिवेशंस को भी कराए हैं, डेरिवेशंस भी कराए हैं इसलिए क्योंकि डेरिवेशन से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, और बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आपके जो सेमेस्टर के पेपर होते हैं उनके भी क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। बस आपको क्या करना है, सीधे लेक्चर को एंजॉय करना है, आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे आपका सेमेस्टर का हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मतलब अब हमारे स्टूडेंट का लगभग लगभग आधा डर तो आपने खत्म कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे होंगे, और बिलीव मी हमारे यहाँ पे कोई भी फैकल्टी आता है तो सारा चीज़ एक थीम लाइन होता है, किस तरीके सिस्टमेटिक सर अपने नेक्स्ट वीडियो में शायद अपने सिलेबस के बारे में और किस तरीके से ये सिस्टम सब्जेक्ट का अप्रोच होना चाहिए, और देखो पढ़ाते सभी बट सिखाना हमारा काम है कि आप सब्जेक्ट सीखें, बहुत अच्छे से इंजॉय करें उस चीज़ को, और वाकई वो जो सब्जेक्ट सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो कहीं ना कहीं, एग्जाम में काम भी आए, न्यूमेरिकल भी आए। तो सर ने बता दिया है कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में न्यूमेरिकल कराएंगे, लगभग 250-300 क्वेश्चन के आसपास जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए आपने। अब सर बहुत सारे हमारे यहाँ सर जेई लेवल के स्टूडेंट भी, हम लोग जेई का कोर्स नहीं चलाते हैं स्पेसिफिकली, गेट ओरिएंटेड ये कवर होगा आपका, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेई या दूसरे अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली आई थिंक हेल्पफुल होता होगा FM। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, FM तो एक बड़ा सब्जेक्ट है और हर एग्जाम में ही आता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कोई भी पेपर दोगे उसमें पूछा ही जाएगा, तो JEE में भी अगर आप इसको कंटेंट को पढ़ते हो तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उनमें तो न्यूमेरिकल्स और बेसिक लेवल के होते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपको बस बहुत एडवांस वाले क्वेश्चन को, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उतने आपको करने नहीं है, लेकिन हाँ JEE के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं उनके सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ एक डिस्क्लेमर है कि भाई हम जो कवर करेंगे सिलेबस वो गेट के हिसाब से रहेगा, है ना, आप यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल सब्जेक्ट से सारा चीज। तो कल से आई थिंक सर कब से आप शूट करेंगे इसको, या कल कब से स्टार्ट कर रहे हैं इसको? मैं कल से स्टार्ट करूंगा और आपको प्रॉपर फ्लूइड मैकेनिक्स फील करने को मिलेगा, ठीक है, तो कल से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कल से आप जुड़िएगा, और सर का जो नॉलेज जो 7-8-10 साल में इन्होंने पूरा बखूबी इंडस्ट्री वाला खासकर नॉलेज वो आपको लेना है, तो सर के वीडियोस एंजॉय करिएगा यूट्यूब पे, पूरा एकदम से बेहतरीन तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ सारे का सारा सब्जेक्ट आने वाला है। तो सर एट दिस नोट थैंक यू वंस अगेन, आपने इस प्लेटफॉर्म को टाइम दिया उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, ओके।